हेलो एंड वेलकम टू यूजी सीनेट लिटरेरी पी सो सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो हूँ इनमें राइटर का नाम और साथ में उनके जो इम्पोटेंट वर्क है एक या दो जो भी वर्क है वो भी मैं आपको बताने की यहाँ पर ट्राई करूंगी तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट राइटर है जो भी लोग अमेरिकन राइटर को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो यू जी सीनेट के लिए है चाहे वो टीजीटी पीजी टी के एग्जाम के लिए है या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी असिस्टेंट uh, प्रोफेसर का एग्जाम होता है उन सबके लिए

नेक्स्ट जो हमारा है वो है हेनरी मिलर तो हेनरी मिलर का जो वर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है नेक्स्ट है हमारे पास हमन मेलविल ठीक है जी तो हमन मेलविल का मोबिडिक जो वर्क है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है नेक्स्ट है हमारा जेडी सेलिंगो तो जो जेडी सेलिंगर हैं इन्होंने जो वर्क लिखा था वो है द कैचर इन द इंदोरे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है नेक्स्ट है हमारे पास जॉन अपडाइक तो जो जॉन अपडाइक है इनका वर्क है रेबिट रिडक्स नेक्स्ट है जोसेफ हेलर तो जोसेफ हेलर ने कैच ट्वेंटी टू वर्क लिखा है जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है नेक्स्ट है हमारे पास मार्क ट्वेन और मार्क ट्वेन का वर्क है द एडवेंचर ऑफ हक्कल बेरिफिन नेक्स्ट है हमारे पास नेथेनियल हाउथोन तो जो नेथेनियल हाउथोन है इनका जो वर्क है द स्कारलेट लेटर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है नेक्स्ट है रल्फ एलिसन तो रल्फ एलिसन का वर्क है इनविजिबल मैन नेक्स्ट है हमारे पास सोल बेलो तो सोल बेलो ने लिखा है द एडवेंचर ऑफ ओगी मार्च इसके अलावा हरजोग भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो है स्टीफन क्रेन तो जो स्टीफन क्रेन है इनका एक वर्क है द रेड बेच ऑफ करेज तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्क आपका रहने वाला है नेक्स्ट है हमारे पास टोनी टोनी तो सबसे फेमस इम्पोर्टेंट वर्क, वर्क है, बट, के लिए फेमस है ये नेक्स्ट है हमारे पास विलियम फोकनर तो जो विलियम फौ, फोकनर है इनका है द ग्रेप्स ऑफ रेथ एंड द साउंड एंड द फरी तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनके नेक्स्ट है ज, जोला नील हर्स्टन तो जो जोला नील हर्स्टन है इनका वर्क देअर आइज वर वॉचिंग गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारे पास आर्थर मिलर तो जो आर्थर मिलर है इनका द क्रूशिबल डेथ ऑफ अ सेल्स मैन ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क है डेथ ऑफ द सेल्स मैन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये अमेरिकन ड्रीम को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है हमारे पास एडवर्ड एलबी तो एडवर्ड एलबी का जो वर्क है हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वोल्बी इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है नेक्स्ट जो राइटर हैं हमारे आज के वो है यूजीन आइनेसको तो ये ये जो हैं यूजीन आइनेसको इनका द बाल्स सोप्रेनो लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट ये दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो है टेनेसी विलियम तो टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और आज की जो वीडियो है, इसके जो लास्ट राइटर है वो है हमारे पास लॉरेन हैंसबरी तो का जो वर्क है सन ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है तो ये ट्वेंटी ऐसे राइटर थे अमेरिकन राइटर थे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो की आपको जरूर कर लेने चाहिए और इनके ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप अमेरिकन लिटरेचर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस तरह की और वीडियोज चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं किसी चीज का डाउट है तो भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर, करके बता सकते हैं एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट वो गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो